हार जाएंगे पवन सिंह, काराकाट का सांसद कोई और बनेंगे। जी हाँ, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये माहौल देख रहे हैं, सब बकवास है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। जी हाँ, पवन सिंह का चुनाव जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कैसी बकवास कर रहा हूँ, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, तो सुन लीजिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पवन सिंह के विपक्ष में खड़े उम्मीदवार काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा का कुछ बयान ऐसा तेजी से वायरल हो रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान सुनाने से पहले आप सभी को बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा है कौन। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 2 जून 1960 को वैशाली में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से किए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार 1985 में अपना राजनीतिक में कदम रखा था। 1985 से 1988 तक युवा लोक दल के महासचिव रहे उपेंद्र कुशवाहा। फिर 1988 से 1993 तक युवा लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद 1904 से 2002 तक समता पार्टी के महासचिव रहे उपेंद्र कुशवाहा। सन 2000 में समता पार्टी से पहली बार विधानसभा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। 2004 में बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता बने। उसके बाद फिर 2010 में बदली किस्मत और राज्यसभा में सांसद चुने गए उपेंद्र कुशवाहा। 2013 में जदयू से अलग होकर RLSP पार्टी का गठन किया, जो कि उनकी खुद की पार्टी है। उसके बाद 2014 में NDA पार्टी से जुड़कर चुनावी मैदान में उतरे और बिहार में 3 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज किए। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा पहुंचे और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री का पद संभाला। फिर 2018 में NDA से अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद 2019 में लोकसभा विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए और उनको महागठबंधन में 5 सीटें मिली, जिसमें 2 सीटों पर वो खुद लड़े और बाकी सीटें हार गए। 2020 बिहार विधानसभा में डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP एक भी सीट नहीं जीत पाई और मार्च 2021 में जदयू में विलय हो गया। तो ये थी उपेंद्र कुशवाहा की कम शब्दों में कहानी। और रही बात काराकाट में पवन सिंह की हार की, तो आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान खुद ही सुन लीजिए। क्योंकि वहाँ हम भीड़ बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मीडिया कवरेज ज्यादा देख रहे हैं, वहाँ एक अलग ही मतलब वो चीज चल रही दिखना और चुनाव में वोट देना दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। ये बयान सुनकर और ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर सच में मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि जिसके खुद के रैली में, खुद के रोड शो में इतने कम लोग हैं, इतनी कम भीड़ है, मात्र गिने चुने लोग हैं, वो पवन सिंह को हराने की बात कर रहे हैं जिसका एक तरफा माहौल बना हुआ है। काराकाट में पवन सिंह जीतेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।